अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोमा फूड। तो दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर से होंगे। तो चलो दोस्तों आज हम बनाते हैं लौकी की बर्फी, वो भी बहुत जल्दी बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देर किए हुए। तो हम लिए हैं 1 किलो लौकी, इसको धो के अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और देखो छोटी छोटी लौकी ली हूँ, पतली पतली, ऐसे ज़्यादा मोटी लौकी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोटी लौकी मैंने बीज होते हैं और कड़क भी होती है। अगर आपको अगर ऐसे पत्ती लौकी मिल जाए तो अच्छी है। कोई कोई इसको घिया कहता है और इसको लौकी भी कहते हैं। अब इसके हम डंठल को काट देंगे। इसे डंठल को काटने के बाद इसको हम छीलेंगे। तो इसे इसका छिलका उतार लेंगे अच्छे से। देखो कुछ इस तरह से छिलका इसका उतार लेना है। सारी लौकी को इसी तरह छीलेंगे। अगर इस वीडियो हमारी पसंद आती है आपको तो वीडियो को हमारी लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। ये बिल्कुल फ्री है, और कोई कमेंट भी कर दिया करो अगर पसंद आ जाए तो। हमारे यहाँ बहुत गाड़ियाँ चलती है इसलिए गाड़ी की आवाज़ आती है। कितने देर तक हम जागते हैं रात में, फिर भी गाड़ी चलती, गाड़ी की आवाज़ ही आ जाती है। थोड़ा गला भी हमारा ख़राब है इसलिए आवाज़ हमारी थोड़ा अच्छी नहीं आएगी। तो देखो अब लौकी हमारी छिल गई। अब इसको लेंगे एक ग्रेटर, इसे से हम इसको ग्रेट करेंगे। देखो इसको इसे ग्रेट कर लेंगे। ये जो बड़े वाला है ना इसका, ये इसी से ग्रेट करेंगे। सारी लौकी को हम ग्रेट करके आपको अभी दिखाते हैं। और इसको थोड़ा आराम से करना, नहीं कहीं पता जाए हाथ कट जाए एकदम। देखो इसे पतले पतले से ग्रेट कर लेना है। तो देखो सारी लौकी हमारी ग्रेट हो गई। अब इसको हम रखेंगे इसी कढ़ाई में, इसको रख के फिर पकाएंगे इसको। तो इसको सारी लौकी को इसी में हम डाल देंगे। जो लौकी नहीं खाता ना, अगर ऐसे बना दोगे तो मांग मांग कर खाएगा वो, बच्चे या बड़े सभी। बहुत मस्त लगती है ये। गाजर का हलवा बनाओ या बर्फी बनाओ तो इसको हम रख दिए गैस पे, और गैस जला दे रहे। इसका पानी हमें जलाना, जो इसमें पानी होता ना इसको जलाना है पहले, पानी को हम जलाएँगे पहले। तो इसको चला चला के हम थोड़ी देर के लिए पकाएँगे ताकि पानी इसमें के सारा जल जाए। उसके बाद आगे का हम काम करेंगे इसमें। दो गैस थोड़ा तेज़ जलाएं ताकि पानी इसका जल जाए। तो इसका पानी जल गया, लौकी भी हमारी थोड़ा सॉफ्ट हो गई। और इसको चला के थोड़ा से चम्मच से दबा देंगे ताकि ये टूट जाए। अब इसको ढक देंगे ताकि एकदम से अच्छे से पक जाए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए एकदम। यानी पक जाएगी तभी तो अच्छी बनेगी। तो इसको इसे पकाएंगे अच्छे से, चला दे रहे। देखो पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, पानी सारा इसमें का जल गया है। अब इसको इसे थोड़ा चम्मच से दबा रहे हैं। देखो इसे दबाना है इसको, नहीं तो इसमें लच्छे रह जाएंगे। लच्छे को हमें मिटाना है। घर के सामानों से बन जाती है यार, कोई ज़्यादा परेशान होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसको आप ज़रूर घर पर बना कर ट्राई कीजिएगा। तब हम 1 कप दूध लिए हैं, कप से मेजरिंग कप वाला होता है उसे 1 कप है। और गिलास, देखो 1 गिलास भी है ये। ये दूध डाल दिए, डाल के इसको चला देंगे। जब थोड़ा लौकी पक जाए तभी इसको डालना है, कच्ची लौकी में नहीं डालना है। लौकी हमारी पक चुकी है यानी घिया। यार हमें सर्दी जुकाम हो गया है इसलिए गला हमारा थोड़ा अच्छा नहीं है, आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन क्या करें, अब तो आवाज़ तो डालना ही, आवाज़ तो भाई डालना है। और बनाना भी है कुछ, जब बनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो ये पकेगा आराम से। देखो सारा दूध पक चुका है, इसमें देखो कुछ जल गया है। अब इसको हम खोल के चला दे रहे हैं दोबारा से। देखो दूध जल गया और हमारा ये सॉफ्ट हो गया, लौकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ऐसे इसको चम्मच से जब तोड़े ना, चम्मच से टूट जा रही है बिल्कुल ये। देखो ऐसे टूट जा रही है ना, देख रही होगी आपको एकदम पास से हम दिखा रहे हैं। देखो सारी टूट गई। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, थोड़ी देर पे चलाना, नहीं तो जलना भी शुरू हो जाता नीचे से। अगर जल जाएगा तो इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब होगा। तब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के मिल्क पाउडर। आप चाहें तो इसमें खोया यानी मावा डाल सकते हैं, जैसे हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। इसको भी डाल के अच्छे से मिला देंगे, इससे ना इसका स्वाद दुगुना हो जाएगा, इसलिए इसको डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप खोया डाल देना, या फिर आप 1 लीटर दूध डाल लेना। जैसे हम 1 कप डाले हैं तो आप 1 लीटर दूध डालोगे ना तो मस्त बनेगी बर्फी। तो इसको डाल के अच्छे से मिला दे रहे।
और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे, सॉरी इलायची का पाउडर मैंने डाला, इसमें डालें पहले चीनी, आधा कप चीनी डालना है जिस कप से ली थी वो, अब देखो इलायची का पाउडर डाल देना, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, अगर आपको इलायची हो तो आप उसको तोड़ के थोड़ा से कुचल के डाल देना, जैसे पाउडर ना हो आपके पास, बाई चांस किसी के पास नहीं रहता पाउडर तो उसे ऐसे करना, उसको तोड़ लेना इलायची को और उसको डाल देना, तो उसकी खुशबू आ जाएगी इसमें अच्छी। और देखो डाल के सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला दे रहे हैं, अब इसको ऐसे पकाएंगे, इधर डाल रहे हैं ग्रीन कलर डाल दे रहे हैं इसमें हम 1/4 चम्मच, इससे क्या होगा ना थोड़ा कलर आ जाएगा, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं खाने के लिए तो आप इसमें कलर मत ही डालना, क्योंकि कलर डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस ये तो दिखाना है हम लोग को, तो इसलिए इसमें हम कलर डालें तो आप देखने में थोड़ा अच्छी लगे, अगर देखने में अच्छी लगी तो बच्चे भी पूछेंगे खाएंगे अच्छी लगी देखने में, हाँ हरी हरी दिख रही है, बस इसलिए इसमें हम कलर डाल दे रहे हैं। और 2 चम्मच भर के डाल देंगे घी इसमें हम, बस ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, बस 2 ही चम्मच डालेंगे, बस इतना ही हमें डालना है, डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। अब बस इसको हमें पकाना है और इसको सुखाना है, पका चला चला के, क्योंकि लौकी हमारी पक चुकी है, अभी जो चीनी जो मेल्ट होगी ना तो ये गीला हो जाएगा, जो गीला गीला अभी से आपको दिख रहा होगा, अभी जब सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी ना तो और ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब इसको ढक दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, देखो चीनी और दूध सब जल गया, एकदम सूखा सूखा सा दिखने लगा, अब इसको ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, हाथ चला रहे हैं ताकि जल्दी नहीं गैस थोड़ा तेज़ कर दी हूँ, ताकि जल्दी जल्दी इसमें से जो ये मॉइस्चर है यानी पानी है इसमें जल जाए चीनी का जो ये है। अब ढक दिए दोबारा, तो फिर दोबारा से खोल दिए इसको हम, अब ये सूख चुका है बिल्कुल, अगर आपको हलवा बनाना तो हलवा के लिए अब ये सही हो गया, बस ऐसे ही इसको आप इसमें ड्राई फ्रूट जो डालना चाहें डाल दें और उतार के अब इसको खाएं, ये खाने के लिए रेडी है, लेकिन हमें बनानी है बर्फ़ी, तो इसे भी हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो लिए हैं एक टेक के एक टिन, आप चाहे किसी थाली या जिसमें बर्फ़ जमाए तो उसमें कर सकते हैं, इसमें हम लगा दिए घी, घी लगा के इसको साइड में रख दे रहे हैं जब तक इसको भी हम पका रहे हैं, एकदम देखो सूख के डो जैसे बन गया ये, इसकी यही पहचान है, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगेगा और एकदम इसे सूख जाएगा। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं, इसको अब हम निकालेंगे उसी में नीचे दे रहे हैं, इसके गैस को पर देंगे केक टिन को, क्योंकि यहाँ पे किचन में हमारी जगह कम है, थोड़ा छोटा किचन है, तब इसमें इसको डाल देंगे हम, डाल के हम बर्फ़ी को इसी में जमा देंगे, देखो इसको इसमें डाल दिए और डाल के इसे चम्मच से इसे बराबर कर देंगे, अगर आपके पास ये वाला चम्मच ना हो तो आप एक कटोरी ले लो, उसमें हल्का घी लगा लो, इसे घुमा दे कि बर्फ सब फटाक से हो जाएगा, देखो बराबर हो गया, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम आधा घंटा के लिए, आधा घंटा के बाद इसको हम चल रहे हैं अब निकालने, तो देखो इसमें हम इसको हम चाकू से किनारा इसका छुड़ा दिए, यानी इसे चाकू थोड़ा चला दे ताकि किनारा इसका निकल जाए, तब हम इसको हम निकालेंगे हम प्लेट में, तो एक प्लेट इसमें हम निकाल, तो अब इसको हम इसी प्लेट में इसे पलट देंगे, इसको थोड़ा थपथपा देंगे, तो इसी तरह इसको रखेंगे प्लेट को इस तरह, और इसको इसे हम पलट देंगे और ऊपर से थपथपा देंगे थोड़ा सा, तब ये बर्फ़ी हमारी निकल जाएगी आराम से, क्योंकि इसमें घी लगा हुआ, अगर थोड़ा जैसे ठंडा हो जाए ना निकले ना ज़्यादा, तो इसको थोड़ा गैस पर आप थोड़ा जला कर थोड़ा दिखा देना ना तो आराम से निकल जाएगी, इसे निकाल दी, अब इसमें लगा दे रहे हैं हम सिल्वर वर्क यानी चांदी का वर्क लगा दे रहे हैं इसमें हम, पूरे पे लगा देंगे ताकि देखने में अच्छी लगे, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो चीज़ खाने में अच्छी लगती है, देखो एक किनारा लगा भी नहीं, सिल्वर वर्क हमारा ख़त्म हो गया, अब इस पर से किनारे किनारे लगा दे रहे हैं ड्राई फ्रूट काजू और बादाम और थोड़ा सा पिस्ता उसमें है, अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसको लगा सकते हैं, तब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, तो इसको इसे पहले बीच से काटेंगे फिर किनारे से चारों तरफ से इसे कटिंग कर देंगे, केक की जैसे इसको हम कटिंग करेंगे,
और दोस्तों ये खाने में तो इतनी टेस्टी लगेगी ना, अगर आप बनाओगे तो खाते रह जाओगे, बहुत मस्त लगती है खाने में। तो एक बार ज़रूर आप हमारे तरीके से बना कर ट्राई कीजिएगा घर पे, बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इसको घर पे बनाओगे तो। तो गाइस अब हम यहीं पे वीडियो अपनी करते हैं एंड, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू, दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करेंगे मत जाना। अल्लाह हाफिज़।